हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका शर्मा रेसिपीज़। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं स्पेशल मावा गुजिया रेसिपी। मेरी तरफ से आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार है, चाहे आप कितने भी पकवान बना लीजिए, लेकिन गुजिया के बगैर त्यौहार अधूरा ही है। और यहाँ मैं आपको चाशनी वाली और सूखी गुजिया दोनों ही बनाकर दिखाऊंगी, और वो भी एकदम हलवाई जैसी। और साथ ही मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आप जो गुजिया बनाएंगे वो भी एकदम खस्ता बनकर तैयार होंगी। और यहाँ मैं आपको दोनों तरह से गुजिया बनाकर दिखाऊंगी, सांचे के साथ भी और बगैर सांचे के भी। तो आइए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं आज की बहुत ही स्पेशल मावा गुजिया रेसिपी। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है एक फ्राई पैन, उसमें डालेंगे एक चम्मच घी। यहाँ मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि देसी घी में गुजिया की जो स्टफिंग होती है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। घी यहाँ पर मेल्ट हो चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें रोस्ट करेंगे सूजी। तो यहाँ मैंने ली है 4 से 5 चम्मच सूजी। सूजी को हम यहाँ 1 से 2 मिनट रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन चला जाए। हमें इसका कलर चेंज नहीं होने देना है और गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। हमें यहाँ सूजी को बस इतना ही रोस्ट करना है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। उसी फ्राई पैन में अब हम रोस्ट करेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स को एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप कोकोनट पाउडर, और इन्हें लो फ्लेम पर 1/2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। कोकोनट पाउडर में पहले से ही ऑयल होता है, इसलिए हम यहाँ घी यूज नहीं कर रहे हैं, और ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। और इन्हें भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। सेम फ्राई पैन में अब हम मावा को भून लेंगे। यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम मावा। मैं यहाँ रेडीमेड मावा यूज कर रही हूँ, आप इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। और मावा को धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। हमें यहाँ मावा का ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन कलर आने तक हम इसे भून लेंगे। और ये देखिए, इस प्रकार से मावा तैयार हो जाएगा। और मावा को हमें लगातार चलाते रहना है, ताकि ये नीचे कढ़ाई में ना लगे। और ये देखिए, इस प्रकार से मावा बनकर तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोस्ट की हुई सूजी, और सूजी को मावे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे तो मावा एकदम ड्राई हो जाएगा, और सूजी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और गैस की फ्लेम को हमें यहाँ लो रखना है, नहीं तो जो मावा है वो जल जाएगा। और इस तरह से लगातार हम इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ सूजी काफ़ी अच्छे से मावा में मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यदि हम गर्म मावे में चीनी ऐड करेंगे तो वह एकदम लिक्विड हो जाएगा, इसलिए हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम तैयारी करते हैं गुजिया के लिए डो बनाने की। यहाँ मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा, इसमें डालेंगे 100 ग्राम के आसपास देसी घी। यहाँ मैं मोयन के लिए देसी घी यूज कर रही हूँ, इससे जो हम गुजिया बनाएंगे वो एकदम लाजवाब बनेंगी। और घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने एक साथ सारा घी नहीं डाला है, 1/2 कप हम बाद में डालेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बाकी बचा हुआ घी, और इसे भी अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से जो हम गुजिया बनाएंगे वो एकदम खस्ता बनकर तैयार होंगी। और इस तरह से दोनों हाथों से आटे को मसलते हुए हम घी को अच्छे से मिक्स करेंगे, और इस तरह से मुट्ठी बनने लगेगी। तो आटे में घी एकदम परफेक्ट है। अब हम इसका एक टाइट सा डो तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ 1 गिलास पानी लिया है, और थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करते रहेंगे और आटे को गूंथ लेंगे। हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और देखिए, बिल्कुल इतना ही पानी यहाँ पर यूज हुआ है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डो को बिल्कुल स्मूथ बना लेंगे। गुजिया के लिए जो हम डो तैयार कर रहे हैं, हमें इसे थोड़ा सा कड़ा ही रखना है, इससे जो हम गुजिया बनाएंगे वो एकदम अच्छी बनेंगी। और इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ मावा भी काफी अच्छे से ठंडा हो चुका है, और इस तरह से हम इसे थोड़ा थोड़ा खोल लेंगे। और यहाँ जो हमने सूजी इसमें ऐड की थी, उसकी वजह से मावा एकदम दानेदार हो गया है। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट पाउडर। और साथ ही मैंने यहाँ लिया है 1 कप पिसी हुई चीनी। यदि आप मीठा मावा यूज कर रहे हैं तो हम इसका 1/2 कर लेंगे। 1 चम्मच इलायची पाउडर, और इन सभी को हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो एकदम ड्राई है। इस प्रकार से हमें स्टफिंग को तैयार करना है।
तो आइए अब हम तैयारी करते हैं गुजिया बनाने की। तो ये जो आटा हमने रेस्ट के लिए रखा था, इसे हम हाथों से थोड़ा सा मल लेंगे तो ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। और गुजिया बनाने के लिए डो एकदम तैयार है, तो आइए गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम एक छोटी सी लोई बना लेंगे, बिल्कुल पूरी बनाते हैं उसी तरह से, और थोड़ा सा घी लगाकर इसे बेल लेंगे। हमें इसे बिल्कुल पूरी के साइज़ का ही बेलना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है। यहाँ हम बिना सांचे के गुजिया तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसे बेल लिया है, और इसमें एक से डेढ़ चम्मच जितनी स्टफिंग हम कर लेंगे, और इस तरह से चारों तरफ पानी लगाकर इसे अच्छे से बंद कर लेंगे ताकि जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। और इस प्रकार से प्रेस करते हुए हम इसे अच्छे से बंद कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन देंगे, तो उसके लिए हम एक फोक यूज़ करेंगे और इस तरह से प्रेस करते हुए डिज़ाइन बना लेंगे। और ये लीजिए बिना सांचे की गुजिया तैयार है। अब हम एक गुजिया सांचे के साथ बनाएंगे। तो ये मैंने एक गुजिया वाला सांचा लिया है, और इस तरह से जो हमने पूरी बेलकर तैयार की थी सांचे पर रख लेंगे, और एक चम्मच से बीच में स्टफिंग करेंगे, और इस तरह से प्रेस करते हुए गुजिया तैयार कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल कर बाकी बचे हुए आटे में मिला देंगे। और ये देखिए गुजिया बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सभी गुजिया तैयार कर लेंगे, और जब तक हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे तो हम किसी कपड़े से ढककर रख देंगे। मीठी और रसीली गुजिया बनाने के लिए हम बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ मैंने लिया है एक कप चीनी, उसमें डालेंगे आधा कप पानी, और इन्हें मिक्स करते हुए अच्छे से बॉईल होने देंगे। यहाँ हम बिल्कुल रसीली हलवाई जैसी गुजिया तैयार करेंगे, साथ ही इसमें डालेंगे केसर के तार, जिससे हम जो चाशनी बना रहे हैं उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। चाशनी बनकर तैयार है। अब हम फ्राई करेंगे गुजिया। तो उसके लिए मैंने ली है एक बड़ी सी कढ़ाई, इसमें डालेंगे खूब सारा तेल, क्योंकि हम यहाँ गुजिया को डीप फ्राई करेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और इस तरह से एक बार में जितनी गुजिया हम तैयार कर सकते हैं वो इसमें डाल लेंगे। और इस तरह से धीरे धीरे अलट पलट करते हुए गुजिया को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे हमें यहाँ गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, और मीडियम फ्लेम पर जब हम गुजिया पकाकर तैयार करेंगे वो एकदम खस्ता बनकर तैयार होंगी। गुजिया को फ्राई होने में यहाँ 5 से 7 मिनट लग जाएंगी, और हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा। तो इस तरह से हम गुजिया को तैयार कर लेंगे, और ये देखिए गुजिया का हल्का ब्राउन कलर आ चुका है, और ये काफ़ी खस्ता बनकर तैयार हुई है। और इन्हें हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। साथ ही हम बनाएंगे रसीली गुजिया, तो जो हमने चाशनी तैयार की थी उसमें इस प्रकार से डाल देंगे। तो ये देखिए ये हमारी रसीली गुजिया बनकर तैयार है। और गुजिया को हमें चाशनी में ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, इन्हें थोड़ा सा अलट पलट करेंगे ताकि ये चारों तरफ से चाशनी में अच्छे से डूब जाएं, और ऊपर से एक्स्ट्रा चाशनी इस प्रकार से डाल लेंगे, और एक एक करके इन्हें किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये लीजिए दोस्तों, होली के लिए स्पेशल रसीली मावा गुजिया तैयार है, और इसे हम गार्निश करेंगे सिल्वर लीफ से, और साथ में डालेंगे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। और यकीन मानिए ये इतनी टेस्टी बनी है कि ये सबको ही बहुत पसंद आने वाली है। तो देखा दोस्तों आपने, हमने यहाँ दो तरह की गुजिया बनाकर तैयार की है, एक रसीली और एक सिंपल वाली। और एक गुजिया मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ कि गुजिया कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है। और आपको जैसी गुजिया पसंद है आप इसे तैयार कर सकते हैं। इतनी बढ़िया गुजिया देखकर आ गया ना आपके मुंह में भी पानी। जो हमने इसमें स्टफिंग की है वो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से दो तरह की मावा गुजिया तैयार कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।